नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस की वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ए के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1, 1, 2, बी के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 2, 3, 5 एंड सी के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1, 5, 5। अब यहां पर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना हो, उसकी दो एडजेसेंट साइड, मान लीजिए ये साइड ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों एडजेसेंट साइड हैं, तो एडजेसेंट साइड की मदद से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन में 2। मतलब साइड जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मॉड्यूलस को आपको 2 से डिवाइड करना है और आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो ए की पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएंगे, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब मैं दो एडजेसेंट साइड यानी ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 2-1 हो गया आई कैप, 3-1 हो गया 2j कैप, 5-2 हो गया 3k कैप। देन इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर निकालना है हमें, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट करेंगे, सो 1-1 इज 0i कैप, 5-1 इज 4j कैप, 5-2 इज 3k कैप। तो ये आ गया ए सी वेक्टर। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां देखिए यहां आई जे के, अब ए बी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स, यहां आ जाएगा 1, 2, 3, यहां आ जाएगा 0, 4, 3। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, तो यहां जरा देखिए क्या हो जाएगा, आई कैप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3, 2 जा 6 -12 -j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3-0 +k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4-0। यहां पर क्या आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 6i कैप -3j कैप +4k कैप। ये है आपका ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। अब हम निकालेंगे ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस, तो वो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वेयर 36, -3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16। तो यहां देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 36 प्लस 25 हो गया आपका 61, सो दिस विल बिकम √61। तो जरा देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, वो हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस बाय 2। तो यहां पर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो क्या आया है, √61/2 स्क्वेयर यूनिट्स। तो एरिया क्या है आपके पास, √61/2 स्क्वेयर यूनिट्स है। तो आपको केवल दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करते ही आपको एरिया मिल जाएगा। अब यहां पर मैंने ए बी और ए सी एडजेसेंट साइड ली हैं, आप कोई और दो एडजेसेंट साइड भी ले सकते हैं, जैसे आप बी ए बी सी ले सकते हैं, बी ए वैक्टर
एंड बी सी वैक्टर ले सकते हैं, सी बी वैक्टर एंड सी ए वैक्टर ले सकते हैं, सी बी वैक्टर सी ए वैक्टर आप ले सकते हैं, ये भी एडजेसेंट साइड हैं, इन दो के पेयर से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं।